हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8। अंशु स्कूल चले गए। उसके जाने के बाद मैं जो भी काम था साफ सफाई का, करने के बाद मैं नहा ली, पूजा भी कर ली हूँ और अभी आरव अभी तक सो ही रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो चलिए चलते हैं किचन में। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई सा भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी चाय बनाएंगे और फिर देखती हूँ आज खाना क्या बनाती हूँ। और आज मुझे बहुत काम है, सारा काम भी फटाफट करना है। तो चलिए लग जाते हैं काम में। और दूध भी आ गया है तो इसको गर्म भी करना है और आरव को पिलाना भी है। नहाने के बाद मुझे लगता है कब मुझे चाय मिल जाए। तटाई में मैं अभी एक गिलास पानी पी लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो अभी मैं गर्म पानी करके पीऊँगी एक गिलास, सुबह सुबह गर्म पानी। मुझे लगता है मैं बहुत मोटी हूँ इसलिए गर्म पानी पीने से सभी बोलते हैं कि वेट कम होता है। तो देखते हैं गर्म पानी पी के, अभी ठंडा का समय आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग गर्म पानी पी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चाय पीने के बाद गैस में दाल चढ़ा के आ गई हूँ इधर मैं पैकिंग करने के लिए। तो विंटर का कपड़ा कहाँ रखी हूँ मुझे याद ही नहीं है, तो मुझे सारा बैग खोल खोल के देखना है कि कहाँ है विंटर का कपड़ा। और एक बैग खाली भी करना है जिसमें हम लोग कपड़ा लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो कपड़ा जा रहे हैं देने के लिए, आयरन करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, धनतेरस तक कॉलेज खुला हुआ है। तो जाने से पहले सारा काम भी ख़त्म करना है और आयरन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब भी आयरन करने लगेगा तो आरव इधर उधर घूमने लगता है और कब वो हाथ से टालेगा पता ही नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये स्टॉल मैं एक बार भी यूज नहीं की हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। भैया के शादी मम्मी दो ली थी, एक अपने लिए और एक मुझे खरीद कर दी थी, तो इस बार मैं रख लेती हूँ छठ पूजा में। हो सके अगर मैं मायके जाऊँ तो ठंड में थोड़ा बहुत मैं इसे ओढ़ लूँगी। और फ्रेंड्स ये भी ब्लाउज देखिए कितना खूबसूरत है, ये फड़क्का से हम लोग लिए थे और इसे भी मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ। मैं यहाँ लेकर आई थी कि कुछ होगा तो मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन उस टाइम से कुछ हुआ ही नहीं है। और ये ब्लाउज का जो लटकन होता है वो है, तो मैं एक बैग खाली कर ली हूँ जो बैग मुझे ले जाना है। और इसमें मैं देखती हूँ कि क्या क्या है, जो भी होगा तो मुझे निकाल के देखना होगा। उसके बाद फिर आरव का एक दो स्वेटर एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मेरे पीछे जो आप लोग को झोला दिख रहा है उसमें है विंटर का कपड़ा, तो ऐसे मैं चेक कर रही हूँ इसमें कि क्या क्या है जो मैं ले जा सकूँ। तो ससुराल में अभी भी मैं साड़ी ही पहनती हूँ, तो मुझे एक दो साड़ी भी यहाँ से ले जाना होगा। तो अभी आरव सो रहा है, नहीं तो वो जग जाता है ना तो बैग में ही घुस के बैठ जाता है, इसीलिए मैं सोची हूँ कि अगर वो अब लेट तक सोए रहेगा तो अच्छा है, शाम को मैं उसे नहीं सुलाऊंगी और रात को जल्दी सो जाएगा। तो मैं सारा कपड़ा एक जगह इकट्ठा करके रखूँगी और मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी से आएंगे तो फिर मैं एक एक करके उनको देते जाऊँगी और वो अच्छे से पूरा जगह पर कपड़ा बैठा देंगे, क्योंकि मैं अच्छे से पैकिंग नहीं कर पाती हूँ। और ये भी साड़ी नया ही है, शादी में मुझे मिला था मायके से और पिंक कलर का है और इसको बोलते हैं ऑर्गेंजा, उस समय नया चला हुआ था। तो मैं इधर सारा कुछ लेके आई हूँ लेकिन एक दिन भी मैं नहीं पहनी हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा दोनों बैग खाली हो गया है और अब मैं जो भी कपड़ा नहीं ले जाने वाला है उसको फिर से इसी बैग में डाल के रख देती हूँ ताकि अच्छे से रहे, गंदा ना हो। और मेरे पीछे देख रहे फ्रेंड्स रेक पे कितना सारा कपड़ा रखा हुआ है, तो यही सब में से मुझे एक कपड़ा ले जाना है। और ये मेरा पायल है जो मेरे हस्बैंड मुझे फर्स्ट टाइम खरीद कर दिए थे, तो मैं घर में नहीं पहनती हूँ, कहीं जाने आने से मैं पहनती हूँ या पूजा पाठ में पहनती हूँ, तो फिर से मैं उसे रख देती हूँ देख करके। और फ्रेंड्स जो बेड पे आप सबको रजाई देख रहा है उसे भी मुझे कपड़ा में लपेट के बांध के रख के जाना है, ऐसे रहेगा तो धूल पड़ेगा, क्योंकि
यहाँ घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी साड़ी जो मेरे हाथ में है वो सिल्क का था। तो एक दो साड़ी मैं यहाँ इस बार लेकर आई हूँ कि सरस्वती पूजा हो या कुछ हो इसमें पहनेंगे, लेकिन अभी तक मैं नहीं पहनी हूँ। साड़ी पहनने के बाद मैं आरा को गोदी ही नहीं ले पाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ। सूट में कंफर्टेबल होता है सीढ़ी से उतरना बच्चे को गोदी लेकर के, तो आप फटाफट उतर जाइएगा या चढ़ जाइएगा, लेकिन साड़ी पहनने के बाद खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो अब बच्चा कैसे लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं सारा इसी बैग में फिर भर दे रहा हूँ क्योंकि ये बैग बहुत पुराना है, तो इसको लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो रास्ते में टूट जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक बैग खाली हो गया है। पैकिंग करने का काम बहुत मुश्किल होता है, समझ में ही नहीं आता क्या लेके जाएंगे और क्या छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं दाल चढ़ाई थी ना, वो सीटी देने लगा, देते ही रह गया, मतलब कि उसका जो सीटी उठा ना नीचे गिरा ही नहीं है, सारा दाल मतलब कि गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं गई पोछ पाछ के आ गई हूँ और फिर से मैं सीटी ढक्कन को ठीक से लगाई हूँ। मतलब मेरा कुकर का जो ढक्कन है उसका रबर ढीला हो गया है, तो उसमें कुछ भी मैं चढ़ाती हूँ बस वो कुकर से पूरा फेंक देता है, और टाइम भी नहीं है कि उसे चेंज कर ले। रबर चेंज करने से थोड़ा दिन सही से चलता है, कुकर का ढक्कन गिर गया है तभी से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी तो सीटी ही नहीं लेता है। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी तरह सारा काम को एडजस्ट करते हुए चलते हैं। अभी मैं जाऊंगी अपने ससुराल दीपावली में, मुझे और पहले जाना चाहिए था लेकिन टाइम नहीं था जिस कारण नहीं गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं खाना बनाई हूँ दाल चावल बैंगन भाजा और आलू की भुजिया। कम समय में यही खाना है जो जल्दी बन जाता है, और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, अभी टाइम हो गया 2 बज गया, तो मैं जा रही हूँ उन्हीं को खाना देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी 3 बज गया है और मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि आज मैं लेट ही खाना बनाई थी। सुबह सुबह आरफ सोया हुआ था तो पैकिंग में लग गई थी, तो अभी तक मेरा पैकिंग भी सही से नहीं हुआ है। अंशु आ गया है और उसको खाना दे दिए हैं, फिर वो खा रहा है, आरफ खेल रहा है। और सुबह से लाइट नहीं है आज, आज मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना था। एक तो ये है अंशु का स्कूल ड्रेस सब, और कपड़ा अंदर में है तो वो सभी धोना था, लाइट नहीं है। मैं आज धोती, अभी मशीन में धोने से क्या होता है आधा सूख जाता है, तो सुबह में कल डालते तो 12 बजे तक सूख जाता है। जो भी कपड़ा लेना आता हम पैकिंग कर लेते क्योंकि कल हम लोग को निकलना था। तो देखिए मेरे साथ कितना बुरा हुआ, सब दिन लाइट रहता है, आज मुझे ज़्यादा ज़रूरत था लाइट का तो नहीं। और देखिए पैकिंग मेरा क्या ले जाना है वो सब तो हम कर लिए हैं, जैसे इतना सारा मुझे ले जाना है इतना कुछ, तो इतना एक जगह मैं निकाल ली हूँ। और दो साड़ी था ससुराल में, अभी भी साड़ी ही पहनती हूँ ससुराल में, तो एक दो साड़ी मैं ले जाऊँगी ताकि मैं पहन के काम कर पाऊँ। कम्फर्टेबल है वो सब, प्लेन है। और जो भी है ऐसे, देखिए इधर भी मुझे सारा कुछ ठीक करना है, ये रजाई इधर कम्बल इसको बांध के रखना है, आराम से पर बैठ के खेलता है। और मतलब जैसे तैसे सारा कुछ, पहनने वाला कपड़ा इधर में, पहनने वाला कपड़ा ऐसे रखा हुआ है, अभी तक सही से कुछ भी नहीं हुआ है। आज मैं कपड़ा धोती, आज गुरुवार है तो आज मैं सोची थी धोने के लिए, मजबूरी था, ऐसे मैं गुरुवार को नहीं धोती हूँ, लेकिन आज मेरा कपड़ा धोना मजबूरी था क्योंकि आज धोती तो आज अगर सूखता तो सूखता, स्वेटर वेटर जो सब है वो कल सूखता, क्योंकि अभी तेज धूप भी नहीं होता है। इसीलिए मैं सोची थी अंशु स्कूल से आएगा तो उसके बाद उसका ड्रेस व्रेस धो देंगे, और कल से अंशु का हो गया छुट्टी, तो कल टाइम सुबह से डाल देती तो जरूर है कि 12-1 बजे तक सूख जाता, तो जो भी मुझे ले जाना रहता मैं वो पैकिंग कर लेती, क्योंकि ठंडा का समय है तो एक दो एक्स्ट्रा लेना ही होगा, इनर गंजी शर्ट ये सब, और आराम का तो 2-3 लेना होगा, लेकिन अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अभी से हम हाथ से भी धोएंगे तो ये सूखेगा कि नहीं पता नहीं। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, मैं लाइन का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना है। और अभी से हम लोग छठ के बाद आएंगे, अगर हम कपड़ा नहीं धोते हैं जो डेली यूज वाला भी है आएंगे तब तक तो पूरा ख़राब हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ। पहले मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और उसके बाद जो भी काम होगा देखते हैं लाइट क्या करता है। और सुबह से जो भी बर्तन था नाश्ता का सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं बर्तन भी नहीं हूँ, और अकेला कुछ नहीं होता, आरत को भी खिलाओ फिर
सब काम भी, फिर पैकिंग भी, कुछ नहीं हो सकता है। मुझे एक दो दिन और पहले से पैकिंग करना चाहिए था, नहीं गलती हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिएगा और देखती हूँ मैं कहाँ तक क्या काम करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने, खाने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो किचन साफ हो गया है, सारा बर्तन धो दिए हैं और अब बोले अंशु को सारा खिलौना उठाओ, तो उठा रहा है। और टाइम देखिए 3:30 बज गया है और सब सिर्फ कपड़ा धोना है। तो जो सब स्वेटर है वो सब जा रही हूँ मैं हाथ से ही धो लेने, इतना कपड़ा मुझे धोना होगा अभी। एक अंशु का स्वेटर तो धो लेती हूँ पहले, सूख जाएगा। और ये सब ड्रेस सब कल धो के हॉल में ही फिर रस्सी लगा के टांग देंगे। हेलो, देखिए पूरा घर का हालत क्या करके रखा है। और मैं ये रूम बंद कर दी हूँ क्योंकि आरव बार बार घुस के सारा बैग में घुस के बैठ जा रहा है, इसीलिए अभी तक लाइट नहीं आया है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने, कपड़ा धोने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जिस दिन मुझे ज़्यादा काम रहता है ना, उसी दिन मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं। एक तो सुबह से लाइट परेशान किया, अभी तक नहीं आया। अगर मैं सुबह में ही सारा कपड़ा धो लेती तो अभी तक सारा कपड़ा सूख भी जाता, लाइट के इंतज़ार में सारा दिन निकल गया और नहीं आया अभी तक लाइट। मैं बाबू का कपड़ा सारा धो ली थी जो ले जाने वाला है, उसके बाद क्या किया, ये कंबल का कवर है उस पर जाके खड़ा होकर सूसु कर दिया। तो मैं 2 दिन पहले ही इसे छत पर डाल के सुखा के लाई हूँ और अभी सूसु कर दिया तो महकने लगा, तो फिर से मुझे वो धोना पड़ा। फिर मैं सारा कपड़ा धोने के बाद आ गई हूँ बालकनी में डालने के लिए, क्योंकि छत पर डालने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी तो धूप है नहीं। तो यहाँ डाल दूँगी तो थोड़ा बहुत जो भी पानी गिरना होगा वो गिर जाएगा और सुबह में छत पे डाल दूँगी। तो अगर कल अच्छा धूप किया तो सारा दिन में जाते समय तक सूख जाएगा, क्योंकि हम लोग को शाम को निकलना है। अगर धूप नहीं हुआ तो मुझे ये सारा कपड़ा जो भी भींगा हुआ है उसको अलग से एक प्लास्टिक में करके ले जाना होगा। तो फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब भी मुझे कहीं जाना रहता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं कवर को इस तरह कर दी हूँ क्योंकि अभी मैं कहाँ डालूँगी उसको, उसमें से बहुत पानी गिर रहा है और मुझे चौकी भी ठीक करना है। देखिए टाइम हो गया है 4:30 और ये लोग भी आज नहीं सोया है, सब दिन सो जाता था, आज कोई नहीं सोया। देखिए कहाँ खेल रहा है बैठ के ये छोटा वाला, और मैं तब तक ये बैड वैड सब ठीक कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 5 बजने वाला है, तो सोची थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। आज सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और अभी तक पैकिंग भी नहीं हुआ है और आज बच्चे भी नहीं सोए हैं। तो नहीं सोए हैं तो मैं अभी से इन लोगों को नहीं सुलाऊंगी, अगर अभी सो जाएंगे तो रात को फिर लेट से सोएंगे तो फिर सारा काम फिर कल का गड़बड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और आप सबसे कल मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।